हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज फाइनली 8 महीने बाद रिलीज़ किए हमारे पास हमारा सपना पूरा हो चुका है, आ चुका है हमारा ड्रीम कॉन्सोल। इसके लिए अमेज़ॉन को थैंक यू बोला जाएगा कि अमेज़ॉन के थ्रू ऑर्डर हो पाया, बट एक बहुत बड़ा फक यू भी बोला जाएगा, बिकॉज इसमें बिल्कुल भी कोई बॉक्स के साथ नहीं आया, ये एज इट इज़ रिसीव हुआ है मेरे को। इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेज़ॉन का स्टिकर भी लगा हुआ है, और बेसिकली ये हरकत करके अमेज़ॉन ने पूरी बॉक्सिंग की माँ बहन कर दी है। बट और ये आप देख सकते हैं कर्व्ड हो गया पूरा। आई होप मेरा प्ले स्टेशन कर्व्ड ना निकले जैसा मीम्स में दिखाता है। अब हम इसको बहुत सेटिस्फाइंग तरीके से खोलने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा फ्लैशी सा नाइफ यूज़ करेंगे, बिकॉज सामान भी तो फ्लैशी है और बहुत ओवर डिमांड है और सप्लाई बिल्कुल नहीं है। दो सील लगी रहती हैं, एक ब्लू टेप और एक नॉर्मल सील, खुल गई है ये। और अब हम इसको, ये आउटर बॉक्स है, आई होप ये आउटर बॉक्स ही बस कर्व्ड हो, मेन अंदर फट भी गया मेरे से थोड़ा, डजंट मैटर, थोड़ा सा मेरे को निकल गया। अंदर का बॉक्स तो ताज़ा ताज़ा लग रहा है, ज़्यादा इशू नहीं लग रहे हैं। ये एक सोनी का लोगो, दिस बॉक्स विल सेव द प्ले स्टेशन आई गेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड, बिकॉज अगर रिप्लेसमेंट की भी बात की जाए तो रिप्लेसमेंट भी बहुत मुश्किल है उस प्रोडक्ट की, जो इंडिया में बहुत मुश्किल से मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में। कंटेंट्स, अनबॉक्सिंग कंटेंट्स सबने देखे होंगे, बट वो सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है जब आप उसको बार बार देखो उस वीडियो को, जब तक आपके पास आए ना। तो कॉन्सोल पे बाद में आएंगे, पहले हमारे रहेगी एक्सेसरीज, जिस पे मेन काम तो रिमोट का है, बट बाकी सब भी देख लेते हैं। टैबलेट्स हैं यूजलेस, साथ में वर्टिकल स्टैंड विच इज़ अ गुड एडिशन, एक अच्छा हेडफोन भी दे देते या ईयरफोन तो और अच्छी बात होती, बट 40,000 में आप उनकी जान तो नहीं ले सकते। ये HDMI 2.1 केबल है, इट वॉन्ट वर्क ऑन मोनीटर्स, जो मॉनिटर मैंने मंगवाया है या जो मोनिटर मैं यूज़ करता हूँ उस पर 120Hz सपोर्ट नहीं करेगा, बट 4K TV है तो अच्छी चीज़ है। बेसिक सा पावर कॉर्ड, पावर ब्रिक अंदर ही है, अच्छी बात है, कॉन्सोल के अंदर पावर ब्रिक है। और जो वैल्यू एडिशन जो प्ले स्टेशन 5 का है, जो इसको तो थोड़ी सी वीडियो पॉज हो गई थी फॉर सम रीज़न, बट अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है जो कि एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करता है एक्सबॉक्स के ऊपर। अगर एक्सबॉक्स के पास गेम पास है तो PS5 के पास DS5 है कंट्रोलर। बस इतनी ही एक्सेसरीज थी हमारे साथ। इससे पहले कि हम साल भर इसको गिराते रहें, कुछ दिन तक इसको संभाल के रखते हैं कंट्रोलर को, थोड़ा शेल्फ पर रख दिया जाता है इसको, चीज़ें हटा देते हैं, कुछ दिन इज्जत से रखते हैं भाई कंसोल को, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए। अब आता है मेन कंसोल, जो एक्स शेल्स के बीच में है। ये डिजिटल एडिशन है तो ये थोड़ा आपको एस्थेटिक लगेगा, लाइक यूनिफॉर्म फ्रॉम ऑल साइड्स, और सस्ता भी है ऑब्वियसली। उसको देख लेते हैं, ये एक्स शेल्स, क्योंकि बहुत भारी कंसोल है। जब मैं इसको रिसीव करके लेकर आ रहा था तभी मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि ये PS4 से बहुत ज़्यादा हैवी है और बड़ा भी लग रहा है। ये सीधा है आई गेस, थोड़ा सा बाकी फीचर्स एंड एवरीथिंग आप देख चुके हैं। दिस वीडियो वॉज ओनली अबाउट अनबॉक्सिंग, और आई होप यू एंजॉयड इट।